खबर कानपुर से, जहां ग्रीन पार्क मैदान में चौके छक्के की होगी बरसात। नोएडा सुपर किंग दिखाएगी कमल। बता दें 30 अगस्त को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में क्रिकेट का रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। इस क्रिकेट लीग में नोएडा सुपर किंग के खिलाड़ियों में उत्साह भरने के लिए एक निजी होटल में जर्सी के अनावरण के साथ खिलाड़ियों की सूची जारी की गई है। समावेश एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की फ्रेंचाइजी टीम नोएडा सुपर किंग की जर्सी का अनावरण बड़े ही धूमधाम से किया गया है। समावेश एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के ओनर आनंद कनोडिया ने इस अवसर पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी टीम के खिलाड़ी मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि सभी मैच ग्रीन पार्क में खेले जाएंगे। इस लीग में 3 मैच होंगे, जिसमें 2-2 मैच 5 टीमों के साथ खेले जाएंगे और उसमें से 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल मैच होगा। ये सारे मैच जो है ये टूर्नामेंट के UP 2020 के कानपुर में खेले जाएंगे और टोटल मैंने जैसे भी बताया जो है लीग में जो है 30 मैचेज हैं। ईच टीम जो है दो मैच जो है 5 टीमों के साथ खेलेगी, तो टोटल ये 30 मैच हैं। उसके बाद 2 सेमीफाइनल हैं, 1 फाइनल है, तो टोटल 33 मैचेज होंगे और सारे मैच जो है ग्रीन पार्क कानपुर में होंगे। काफ़ी अच्छी उम्मीदें हैं। इससे सबसे बेटर क्या होगा कि सारे जो प्लेयर हैं उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, बहुत अच्छा ग्रोथ का उनको चांस मिलेगा। उसके बाद सारे प्लेयर हम ये होप करते हैं कि यूपी क्रिकेट को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा इससे, और ये सारे प्लेयर्स जो हैं आगे जा करके IPL के लिए, इंडिया के लिए, इंटरनेशनल के लिए ये सारे प्लेयर जो हैं खेलें। देखिए क्या है ना कि आज की डेट में क्या है कि क्रिकेट एक जो है ना करियर बन गया है, तो सब आज क्रिकेट को एज ए जो है ना अपना करियर लेते हैं। तो उसके हिसाब से हमने UP 2020 का जो है ना ये आगाज किया है। हमारा पर्पस यही है कि यूपी में जितने टैलेंट्स हैं वो आगे आएं और हम उनको ग्रो करें, हम उनको प्लेटफॉर्म दें और हम उनको विश्व स्तरीय जो है प्लेयर बनाएं। सारे अभी हमने जो फॉर्मेट है वो टोटल प्लेयर्स जो हैं वो यूपी से हैं।